नमस्कार दोस्तों, बुधवार 22 नवंबर यानी कि कल यूएस कनाडा बॉर्डर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिससे दोनों ही देशों के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें, नाइग्रा फॉल्स में यूएस कनाडा पुल के अमेरिकी हिस्से पर एक चेक पॉइंट पर एक वाहन में विस्फोट हो गया है, जिसमें दो व्यक्तियों की जान चली गई है और आसपास के क्षेत्र में फोर बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। हालांकि विस्फोट के कारण अभी तक सामने नहीं आए हैं। इसी सिलसिले में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने स्थिति को गंभीरता से लेने को कहा है और कहा है कि अधिकारी इस घटना को गंभीरता से लें और जांच में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। जानकारी के हिसाब से एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट के समय दोनों मृतक व्यक्ति गाड़ी के अंदर ही थे। आपको बता दें, नाइग्रा नदी पर दोनों देशों को जोड़ने वाले इस ब्रिज को रेनबो ब्रिज कहा जाता है। विस्फोट के वक्त मौजूद लोगों ने घने धुएं, फुटपाथ पर आग की लपटें और जले हुए सुरक्षा बूथ की तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। हालांकि एक व्यक्ति के अनुसार, जो घटना के गवाह भी रहे, उन्होंने बताया कि गाड़ी की टक्कर फेंस से टकराने की वजह से हुई और जांच और पुष्टि में यह भी सामने आया कि किसी भी तरह से टेररिस्ट और एक्सप्लोसिव का इस वाक्य से कोई भी संबंध नहीं है, जिससे नाइग्रा फॉल्स ब्रिज कमीशन ने इस घटना को एक गंभीर कार दुर्घटना के रूप में वर्णित किया है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।